अब हम आगे बढ़ें कि अपील एप्लीकेशन फाइल कैसे होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी करदाता अगर अपने डैशबोर्ड पे जाएगा लॉगिन के बाद, तो उसको जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही डैशबोर्ड दिखेगा। वहाँ पे नेविगेशन का प्रोसेस है डैशबोर्ड, सर्विसेज, यूजर सर्विसेज और माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन पे जब वो आएंगे तो वहाँ पे उनको कुछ मेन्यूज दिखते हैं, जैसे एडवांस रूलिंग है, इंटीमेशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, रिफंड्स है, एक्सेट्रा। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अपील टू द अपलेट अथॉरिटी। तो अब जो भी टैक्स पेयर है उनको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। साथ में एक बगल में आपको नज़र आ रहा होगा फ्रॉम और टू डेट, दो विंडोज हैं। तो यहाँ पे तारीखों की एंट्री करके इन बिटवीन द डेट्स वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस स्क्रीन में आपको दो प्रोविजंस दिए गए हैं। एक तो है कि सर्च प्रोविजन है, कि आपके द्वारा दाखिल किए गए आवेदन का की सूची आपको दिखाई देगी। दूसरा, इसमें एक न्यू एप्लीकेशन का भी प्रोविजन है कि अगर आप नया एप्लीकेशन दाखिल करने जा रहे हैं तो आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। अपील टू द अपलेट अथॉरिटी एंड न्यू एप्लीकेशन, डेट भरने की आवश्यकता नहीं है वैसे परिस्थिति। जब आप न्यू एप्लीकेशन पे सेलेक्ट करते हैं तो अगला स्क्रीन आपको जो दिखाई पड़ता है वो है जीएसटी APL 01 अपील टू द अपलेट अथॉरिटी। और सिस्टम बता रहा है कि आपका जीएसटी ये है, आपका लीगल नेम ये है, आपका ट्रेड नेम ये है, आपका एड्रेस ये है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। अब नीचे एक ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है कि जिसमें ऑर्डर टाइप आपको डालना है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपका डिमांड रिलेटेड ऑर्डर है, या रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ऑर्डर है, या रिफंड रिलेटेड ऑर्डर है, या अदर ऑर्डर्स। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको बगल वाले बॉक्स में, जहाँ एक बॉक्स दिखाया गया है, यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर डालना है, फिर सर्च बटन पे क्लिक करना है। इसका अभिप्राय यह है कि ऑर्डर नंबर मेरे सिस्टम से जनरेटेड है, अगर यदि है तो सिस्टम बाकी जानकारियाँ उस ऑर्डर नंबर से ले लेता है फेच करके, और आपका एप्लीकेशन बनाने में फिर वो जानकारियों का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ जैसे अगले स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ कि जो भी करदाता टैक्स पेयर हैं उन्होंने डिमांड ऑर्डर सेलेक्ट किया है और अपना ऑर्डर नंबर डाल रखा है। ऑर्डर नंबर डालने के बाद वो सर्च बटन दिखता है, सर्च पे क्लिक करेंगे। जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो उनको डिमांड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिखता है। उसमें क्या है कि आप देखिए, जैसा कि स्पष्ट है, ऑर्डर टाइप, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डिटेल्स इंक्लूडिंग द ऑर्डर डेट एंड द डिमांड आईडी और डेट ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारे REG GST APL 01 के पार्ट्स हैं, और ये फॉर्म में डिस्प्ले किए जाते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक कैटेगरी ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट भी आता है। तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड किया गया है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जो कि आगे वाले स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा, पीरियड ऑफ डिस्प्यूट यहाँ दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीरियड ऑफ डिस्प्यूट वही होता है जो कि ऑर्डर टाइप या डिमांड ऑर्डर जिस पीरियड से संबंधित है। मान लीजिए कि आप किसी भी करदाता द्वारा ये अपील फाइल किया जा रहा है और वो एक वित्तीय वर्ष से संबंधित डिमांड ऑर्डर है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ डिस्प्यूट में उनको ये पीरियड अवधि डालनी होगी। तो ऑर्डर्स चूंकि बहुत तरह के होते हैं, प्रोविजनल ऑर्डर होता है, कुछ डिमांड रिलेटेड ऑर्डर होता है, जैसे इन्फोर्समेंट में तो वो बिल्कुल किसी पर्टिकुलर डे का ऑर्डर होता है, तो उनको वो पीरियड सेलेक्ट करके फिनेंशियल ईयर यहाँ उनको डालना पड़ेगा। जैसा कि हमने अभी आपको स्पष्ट किया कि कैटेगरी ऑफ ऑर्डर्स, तो इसमें सेलेक्शन क्राइटेरिया है, और सेलेक्ट करने के उपरांत आपको इसमें 15 कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं जो कि ब्रॉडली ग्रुप्ड हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसमें एक से अधिक कैटेगरी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको एक ऐड बटन भी दिख रहा होगा यहाँ, तो ऐड बटन पे क्लिक कर सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो वो ऐड होते जाता है नीचे। तो जैसे कैटेगरीज कुछ ऊपर से पढ़ते हैं, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, रॉन्ग अप्लीकेबिलिटी ऑफ ए नोटिफिकेशन, इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर ITC का गलत क्लेम लिया है, इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी, मान लीजिए किसी डिमांड ऑर्डर में डिटर्मिनेशन जो किया गया टैक्स लाइबिलिटी का वो गलत कर दिया गया अधिकारी के द्वारा,
या वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, मतलब अगर एप्लीकेंट को रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि वो नहीं रिक्वायर्ड है उनका रजिस्ट्रेशन, तो पर भी उनको दिया गया। वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट रिजल्ट इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इनकरेक्ट रीजंस, ट्रांसफर, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी, स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड, टैक्स कलेक्टेड नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड, रिफंड ऑफ टैक्स पेड, रिफंड ऑन रॉन्ग ग्राउंड, रिफंड नॉट ग्रांटेड, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। तो इस तरह से एंटी प्रॉफिटियरिंग रिलेटेड मैटर एंड अदर्स। यहाँ पे एक बात ध्यान देना दिला देना चाहूँगा मैं कि जो अदर्स कैटेगरी है अगर इसे सेलेक्ट किया जाता है तो एक बॉक्स खुल जाता है, फिर इस बॉक्स में जाकर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये उचित होगा कि उसमें उसी तरह के एंट्रीज को डाला जाए जो कि ऊपर विहित 15 कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अदर्स कैटेगरी को भी ऐड कर किया जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो दीक्षित शर्मा जी हैं जिनका लीगल नेम है, इन्होंने डिमांड ऑर्डर सेलेक्ट किया है और ऑर्डर टाइप में सारा चीज आ गया। इन्होंने मिसक्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेलेक्ट करके ऐड किया है, तो ये यहाँ दिख रहा है। पीरियड ऑफ डिस्प्यूट इन्होंने फरवरी का डाला है कि इस अवधि के दौरान उनका आदेश पारित किया गया है इसी पीरियड के लिए।